अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात। ख्वातीन हज़रात, आज जैसा कि आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में बहुत सियासी गर्मा गर्मी पीक पे है और सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम केस चल रहा है अपना केपी की और पंजाब गवर्नमेंट के इलेक्शन जो होने हैं वो अभी तक जो ना नहीं हो पा रहे। सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि ये इलेक्शन हो, लेकिन पता नहीं कौन सी रुकावटें हैं जो इनके सामने खड़ी हैं, और ऊपर से जो ना इमरान खान साहब भी प्रेशर डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे, गवर्नमेंट भी प्रेशर डाल रही है सुप्रीम कोर्ट पे। आज इसकी बहुत अहम हेयरिंग हो रही थी, 3 दफ़ा तो बेंच टूट चुका है, आज सुबह आते ही बेंच फिर टूट गया और 3 रुकनी बेंच पे मुश्तमल आज बेंच ने समाअत की। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज मौजूद जज साहबान ने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए कि हमें बदनाम किया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि एक जज को सजा दी जाए। तो ये सूरत हाल है, ये करवट ऊँट किस करवट बैठेगा, इसके लिए आज हम आपके साथ हाज़िर हुए हैं और ये हम आपको बताएंगे कि कल तक की हेयरिंग की क्या तवक्कोआत हैं। इसके बारे में मेरे अज़ीज़ दोस्त बिलाल साहब हैं, बिलाल अनवर साहब हैं, वो भी आपसे मुखातब होंगे और उसके बारे में अपना कीमती राय देंगे। तो चलते हैं दोस्तों बिलाल अनवर साहब की तरफ। जैसा कि तबसर साहब, मैं आपको बताता हूँ, ये सारा अहवाल मैंने खुद अपनी आँखों से देखा और सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन के अल्तवा केपी और पंजाब के इलेक्शन के अल्तवा की जो केस था आज सुप्रीम कोर्ट ने सुना, इसमें बहुत अहम किस्म के रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानक से सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जजेस साहबान को निशाना बनाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा अदारा जो बिल्कुल एक मुतहद अदारा है और इसको किसी भी किस्म की तकसीम इसमें काबिल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसमें चीफ जस्टिस के बहुत ही अहम किस्म के जो रिमार्क्स सामने आए हैं उसमें उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन तो होने ही होने हैं, किसी सूरत में हों, आज हों, कल हों। इसमें थोड़ा सारे फरीकैन को उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिए हैं जिसमें उन्होंने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को नोटिस जारी कर दिए हैं और मंगल सोमवार के दिन उनको अदालत में पेश होने का हुक्म भी जारी कर दिया है, जिसमें अभी इमरान खान की जानकारी सीनियर साहबियों से भी गुफ्तगू की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मैं अपनी जानब से अपना पूरा किरदार अदा करने को तैयार हूँ। और इसमें ये और इन्होंने बहुत ही अहम किस्म के जो अल्फाज कहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी फ़ौज भी मेरी है और ये अदलिया भी मेरी है और अदलिया और कानून की और आइन की पासदारी ही से ही पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि ये अदलिया को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने 90 की दहाई में पहले किया है। इससे आपको साफ ज़ाहर हो रहा है कि ये अदलिया को एक किस्म की तकसीम की जा रही है। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपना भरपूर किरदार अदा कर सकता हूँ और जैसा मुझे, और उन्होंने रिटर्न में भी लिख के चीफ जस्टिस साहब को अदालत में भी पेश कर दिया कि हम इस सारे केस में अमन अमान की जो सारी सूरत हाल में उसमें बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ कापरेट रहेंगे, कतावन करेंगे। और उन्होंने कहा कि और हुकूमत की जानब से भी ये यकीन दहानी की अब एक सामने आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इत्तेहादी रहनुमाओं का आज इजलास बुला लिया, जिसमें अटारनी जनरल जो हैं वो आज अपने अहम जो आज की एक केस में हियरिंग हुई है उसमें सारी डिटेल के साथ साथ उनको सारे केस में सारी ब्रीफिंग करेंगे और इसका जो जो भी है सारा सीन वो आज ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये आज की सारी जो हियरिंग है वो इसमें आपको सारा आज के मंडे वाले दिन जो जब ये अदालत 11 बजे लगेगी और इसके साथ सारी जो कार्रवाई होगी, उम्मीद करते हैं कि ये इंशाल्लाह जो है कि ये एक अच्छे फैसले के साथ इस केस की जो है ना वो सारी प्रोसीडिंग जो है वो अच्छे केस के साथ और अच्छे इख्तिताम पज़ीर होगी और ये पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बेहतरी तौर पे जो अदारा है आर्मी का अदारा उसको भी किरदार अदा करना चाहिए ताकि ये जो सूरत हाल बहुत ज़्यादा हीस्ट बढ़ गई है, दुश्मनी तक बातें चली गई हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। इसके साथ ही मैं और बिलाल अनवर साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं।